40 गौ माता है इसमें। मैं श्यामुद्दीन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जानवरों से भरे ट्रक को ले जा रहे गौरक्षा दलों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि शहर हैदराबाद में कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह से और भी जानवरों को ले जा रहे ट्रकों को पकड़ा गया है। कालू सिंह नाम के गौरक्षक ने जो है इस ट्रक को पकड़ा और खुद ट्रक के ऊपर चढ़कर वीडियो बनाया और कहा कि हमारे गौ माता को किस तरह से इस ट्रक में भर कर ले जाया जा रहा है। भारत माता की जय वंदे गौ मातरम। आप देख सकते हैं छोटे छोटे गौ माता और गौ माता के बछड़े पकड़ा गया है। 35-40 गौ माता है इसमें। जानकारी के मुताबिक जमीयत कुरैश के लोग इस तरह से बैल ट्रक में लेकर जा रहे थे और इनका ये भी कहना है कि जो लीगल तौर पर खरीद फरोख्त की जानवरों की इजाज़त है वही जानवर इस ट्रक में भरकर लेकर जाया जा रहा था, लेकिन कालू सिंह नाम के जो गौरक्षक है उन्होंने इस ट्रक को पकड़ लिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जमीयत कुरैश के लोग भी सामने आए हैं और उनका कहना है कि ठीक बकरा इससे पहले ही इस तरह से गौ रक्षक दल सामने आते हैं और जानवरों को ले जा रहे ट्रकों को पकड़कर और जानवर को गौशाला में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। ऑटो रिंग रोड गेट नंबर 17 के पास से गाड़ी आ रही थी जिसमें 19 बैल थे, जिसकी डॉक्टर रसीद है, इसके रसीदा है पूरे बाजार से खरीदे हुए और ये फूड फ्रॉड स्लॉटर का जैसे सर्टिफिकेट है और उसके बावजूद कालू सिंह वहाँ पे आए, आगे जैसे बगैर पुलिस की इत्तला के उन्होंने आगे गाड़ी रोके, ये खुलेआम इन्हों जैसे चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रही है कुरैशी बरादरी के माल पर। ये गौरक्षक का चोला पहन ले गए, इन लोग कारोबार बनाए हुए हैं इसको, इसी तरह हमेशा इसी तरह से लूटमार मचाए हुए ये गुंडागर्दी कर रही। मैं सबसे पहले तो ये कह दूँ ये बीफ जो है, मैं हिंदू हमारे हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ, बीफ में जैसे खाली गई नहीं है, इसमें ऑक्स आता, बैल आता, बछड़े आते, तमाम चीज़ें आती है। आप लोग भी बोलते हैं कि जैसे सिर्फ आप लोगों के दिमाग में जहन में ये बैठ चुका है कि ये सिर्फ गई का गोश है, ये नहीं है। इसमें बफेलो भी कटते हैं हमारे पास में, ऑक्स कटते हैं, ये लीगल तरीके से हम लोग स्लॉटरिंग कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जैसे गई हमारे पास में नहीं कटा रहे हैं फुरेज बहादरी में, हम हकीक गौरक्षक जो है कोर्ट में जो है अपील कर रहे हैं और उसके वास्ते लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग, ये जो भी कालू सिंह है जिसके साथ जितने भी साथियां हैं और भी दीगर दीपक वगैरह जो जो भी नाम है, ये लोग इन लोगों इसी तरह इसको कारोबार बना लिए, इसी तरह आ रहे एक गरीब लोगों का। ऑलरेडी हम लोग ओबीसी में आते, हम लोग पिछड़े तबके में आते, लेकिन आज तक हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं पलाए। हम लोग सुबह से मेहनत करते हैं, 16 घंटे मेहनत करते, उसके बावजूद ऐसा लोग आ रहे लीगल माल को भी लूट ले रहे, डकैती डाल ले रहे, हमारे कई लोग अभी तक सुसाइड कर लिए, ये इनका भी व्यापारी का कहना है। नहीं नहीं थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट मौजूद है यहाँ पे, 19 जानवर है, ये हम लोग पुलिस को भी व्हाट्सअप करे, 19 जानवर है गाड़ी के साथ है, फिट फॉर स्लॉटर का ये सर्टिफिकेट है, ये जानवर के रसीद है। अब हम लोग कालू सिंह के ऊपर कंप्लेंट करें, पेपर वेरीफाई करें, बगैर पुलिस वाले जो है गौशाला भी। हाँ देखिए, एज पर लॉ काम ये है, पुलिस पहले अगर जानवर की गाड़ी रोकती है तो पहले चेकिंग करना है और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को बुलाना है और जानवर चेक करना है, लीगल है नहीं है, उसका हमें फिट फॉर स्लॉटर है नहीं है, चेक करें, बाद में वो लोग जब्त करना है और जब्त भी करना है तो गवर्नमेंट शेल्टर में डालना है, गवर्नमेंट गौशाला में डालना है। ये लोग प्राइवेट गौशाला में डाल रहे हैं, ये प्राइवेट गौशाला में डाल के यही लोग फिर माल बेच रहे हैं। आज तक हमारा एक साल के अंदर हजारों से जानवर पकड़ लिए, लेकिन आज भी गौशाला पूरे खाली है, वो लोग बाजू से फिर से तिजारत कर ले रही, ये बहुत बड़ा सरगना चल रहा है ये गौरक्षक के नाम पर। ये लोग और मामूल मांग रहे हैं, कालू सिंह जैसे जिससे मामूल ले रहे हैं उनका गाड़ी नहीं पकड़ रही, इसलिए मामूल के वास्ते कर रही, ये सिर्फ ये गौ से हमदर्दी नहीं है कालू सिंह, हकीकी गौरक्षक जो है, मैं इन लोगों के तंजीम का नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो लोग कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ गौ के नाम पे अपना मामूल बना रही और जो है इसको पैसे लूट रहे और डकैती डाल रही, सिर्फ पैसे के वास्ते।